पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश की गठबंधन सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हरियाणा की गठबंधन सरकार इवेंट मैनेजमेंट नॉन परफॉर्मिंग सरकार है। आज हरियाणा में महंगाई, बेरोजगारी व अपराध में नंबर वन पर है, जो चिंता का विषय है। आदमपुर उपचुनाव अक्टूबर नवम्बर में होगा। कांग्रेस का यह क्षेत्र गढ़ रहा है और कांग्रेस ही जीतेगी। आज हरियाणा को विकास की जरूरत है। हरियाणा विकास कर रहा था, जो आज हरियाणा का विकास ठहर सा गया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा चरखी दादरी के गांव मंदोला के यदुवंशी स्कूल के शुभारंभ कार्यक्रम में पहुंचे और उन्होंने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस दौरान विधायक रघुवीर कादियन, राव दान सिंह, अशोक अरोड़ा, पूर्व विधायक राव बहादुर सिंह, अनेक नेता उपस्थित रहे। आज ये यदुवंशी जो शिक्षा निकेतन है मंदोला गाँव में, स्कूल का उद्घाटन की बात की है। आज 15 अगस्त आज यहाँ पे झंडा फहराने के बाद राव बहादुर सिंह जी ने कार्यक्रम में दीपेंद्र सांसद जी को निमंत्रण दिया था, लेकिन वो तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर मेरी ड्यूटी लगी थी। उन्होंने कहा आप आ जाओ, तो मैं आया हूँ। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये शिक्षा के मामले में, क्योंकि आज ज़रूरत है शिक्षा की। आएगा तो चुनाव, अभी आज नवंबर में होगा या कभी होगा, क्या करना, चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी जीतेगी, कांग्रेस का गठराज अभी तो कांग्रेस जीतेगी। हमारे को और विकास की ज़रूरत है। जो हरियाणा तेज़ी से विकास कर रहा था, आज विकास ठहर गया, क्योंकि ये मौजूदा सरकार जो है बीजेपी जेजेपी, ये इवेंट मैनेजमेंट है, ये नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है। इनका कोई मतलब परफॉर्मेंस नहीं है इस सरकार का, तो और कानून वैसा बिल्कुल तब भी जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आए प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर एक था, आज महंगाई बेरोजगारी और अपराध में, महंगाई और बेरोजगारी में नंबर एक है और अपराध बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो ये चिंता का विषय है। CMI फिर UP का जब चुनाव था तो वहाँ के मुख्यमंत्री अपनी क्यों अचीवमेंट CMI की दिखा रहे थे। ये तो नीति आयोग में भी जो आंकड़े आए हैं तो उनके उसमें भी हरियाणा नंबर एक पर है केरल के साथ बेरोजगारी में। अपने तजर्बे से कह रहे हैं, वो पार्टी के कितने टुकड़े हुए हैं उनको मालूम है। कांग्रेस मजबूत पार्टी है और कोई नहीं छोड़ेगा, बाकी तो सब स्वतंत्र हैं भाई। कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस छोड़ी, अपना इस्तीफा दे दिया विधानसभा से, लेकिन बात उनकी जहाँ तक है, सवाल एक ही है जो चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, जब ये चल रहा था बीजेपी के नेता हैं, तो जब ये चल रहा था तो उनसे पूछा गया था तो बीजेपी को क्या फ़ायदा होगा और कांग्रेस को क्या नुकसान होगा, तो उन्होंने कहा कुलदीप बिश्नोई जी के आने बीजेपी में आने का कोई फ़ायदा नहीं है, कांग्रेस से जाने का कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं है।